नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। ज्वालामुखी में बोले सीएम सुक्कू, सम्मान के नहीं ब्रीफकेस में रखे सामान के भूखे थे दागी। शिमला से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अनुराग खुद तो बन गए लेफ्टिनेंट, बच्चों को बना दिया अग्निवीर, बोले रायजादा। सत्ती ने किया कांग्रेस पर वार, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है सीएम ऑफिस, कांग्रेस संगठन में सब दुखी। पतली कुहल में पत्नी ने की पति की हत्या, रोज होती थी कहा सुनी। सोलन के बरोटीवाला में अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई बस, एक बच्ची व दो पहिया वाहनों को रौंदा। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। खुंडिया में एक चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस के बागियों पर प्रहार करते हुए कहा, दागी कह रहे हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला, उनके चुनाव क्षेत्रों के सारे फैसले, सारे अफसर उनकी मर्जी से दिए। सत्य यह है कि दागी सम्मान नहीं बल्कि सामान के भूखे थे। जो सामान बीजेपी के ब्रीफकेस में रखा था वह काफी भारी था, उसी के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। बीजेपी के शिमला से प्रत्याशी सुरेश कश्यप कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने शिमला में शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें कई बड़े नेता मौजूद रहे। सुरेश कश्यप ने कहा कि देश भर से पीएम मोदी की प्रचंड जीत को समर्थन मिल रहा है, देश भर के माहौल ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी को दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर पाए हैं और उनके संसदीय क्षेत्र की जनता यह जानती है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने धुसाड़ा में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। रायजादा ने कहा कि अनुराग ठाकुर खुद तो लेफ्टिनेंट बन गए लेकिन युवाओं को अग्निवीर बनाकर उनका भविष्य खराब कर दिया। उन्होंने अनुराग ठाकुर को रावण की संज्ञा देते हुए जनता से अपील करते हुए कहा कि कोई भी भगवा वस्त्र धारण करके जनता के हितों से खिलवाड़ ना करे, इसके लिए सभी को सचेत रहना पड़ेगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार के 10 साल के मुकाबले अपने प्रदेश सरकार के 14 माह के कार्यकाल को प्रभावित बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन कांग्रेस से सच्चाई का पता चलेगा। कांग्रेस का कार्यकाल तो मित्रों की सरकार कार्यकाल है। खुद सीएम ऑफिस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह चुका है। सत्ती ने कहा कि जब घर का माहौल ठीक ना हो तो व्यक्ति के घर से भागता है और इन 9 विधायकों के साथ भी यही हुआ है। मनाली तहसील के अंतर्गत पतली कुहल से सटे माहिली में हत्या का मामला सामने आया है। बिलासपुर के रहने वाले ट्रैक्टर चालक अशोक कुमार पुत्र रतनलाल की सिर पर रॉड मारने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक की पत्नी निकिता ने उसके सिर पर रॉड से वार किया। अशोक कुमार व उसकी पत्नी के साथ फलोत्पाद संघ कार्यालय माहिली में बतौर चौकीदार भी काम भी करते थे। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है। सोलन जिला के बरोटीवाला में एक सड़क हादसा पेश आया है। कोटला हरिपुर रोड पर जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। इस दौरान बस ने पैदल जा रही छोटी बच्ची व सड़क किनारे खड़े 5 दोपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बस की चपेट में आने से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे निजी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे में बस के चालक को भी चोटें आई हैं तथा उसका उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।